दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त बल्लभगढ़ सेक्टर 2 में आप लोग देख रहे हैं। यह एड्रेस है मकान नंबर 1131 F/2 और यहाँ एक महिला है, परेशान है। उसका कहना है ससुराल वाले परेशान करते हैं, पति परेशान करता है, मारपीट होती है। पुलिस थाने में मामला पहुँचा है, तो आइए महिला से बातचीत करते हैं। पहले इनसे बातचीत करेंगे और यहाँ पर वीरांगना नारी शक्ति संगठन की टीम भी है, आप लोग देख रहे हैं। टीम वाले भी पहुँचे इनकी मदद करने। तो सबसे पहले हम ये महिला है इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा चाहिए मैडम, चाहिए। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सर खुशबू नाम है मेरा। क्या दिक्कत आ गई आपको? सर ससुराल वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। यहीं रहते हैं ससुराल वाले? अभी कहाँ गए? ससुराल वाले घर खाली करके चले गए हैं। कहाँ चले गए? IMT गए हैं। ये एड्रेस पूरा नहीं पता, IMT रहते हैं इतना पता। क्या हुआ आपके साथ? दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, 3 साल हो गए, 3 साल से कर रहे हैं। जब से मेरी बेटी हुई तब से ज्यादा नाक में दम कर दिया। की शादी कब हुई आपकी? 2020 में हुई थी सर। किससे हुई है? टेकेंद्र शौरान। तो कौन दहेज मांगता है? सास ससुर, ननद वहाँ से अपने घर से इधर आकर के यहाँ पे आकर के हंगामा करती है। ये नहीं लाई, घर वाले ने ये नहीं दिया। पति बोलता है कि वो गोल्ड दिया है, प्लेटिनम नहीं दिया। जितना हो सकता उतना किया, उससे ज्यादा मैं कहाँ से ला दूँ। अच्छा। ससुर जी क्या करते हैं? ससुर जी प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा। और पति क्या करते हैं? जिम ट्रेनर है। अच्छा। तो दहेज मांगते हैं जी। अच्छा, तो आज क्या हुआ था कि मामला पुलिस में पहुंच गया? मुझे इस घर से बेदखल करे जा रहा है। पति तो मेरे पास रहता नहीं है, पति को यहाँ से निकाल करके अपने पास ले गए सास ससुर। अब मैं और मेरी बच्ची छोड़ रखे हैं यहाँ पे, अब हमें भी इस घर से निकाल रहे हैं। अच्छा। इसे बेचने के लिए या कैसे ना कैसे करके कि हम रोड पे आ जाए, हम कहाँ जाएंगे माँ बेटे। आप नहीं जाना चाहते यहाँ से? नहीं सर। कोई मारपीट हुई आपके साथ? जी बहुत बार हुई है। किसने मारपीट की? पति ने कई बार की है, जेठानी तक ने गला दबाया है मेरा। नंदोई ने पेट पर लात मारी थी जब मेरी बच्ची मेरे पेट में थी। और सास ने ऐसे टाइम पर मुझे मारा है जिस टाइम पर शायद नारी पे कोई हाथ उठाता होगा। तो किसी को फोन किया आपके मायके में कि मुझे इतना दहेज चाहिए? आपके पिताजी को, माताजी को, किसी को कोई मैसेज दिया है डायरेक्ट, या आपके जरिए दहेज मांगते हैं? मेरे जरिए पहले करते थे, उसके अलावा अभी डायरेक्टली पापा से मांग करी गई है कई बार। पापा मेरे, जी कहाँ हैं? पापा जी ये रहे। पापा जी आप आ सकते हैं, आप जो है अगर कोई प्रॉब्लम ना। हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार। खड़े होके बात। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सत्यदेव। अच्छा, तो क्या आपसे दहेज मांगा गया था? हाँ हाँ, दहेज के तो लड़की की लगन वाले दिन ही इसके नंदेव ने जो मेरे को ये बोला कि ये कैसे कपड़े भेज दिए जो हम लगन में भेजते ना, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। फिर लड़के की भी डिमांड हमको तो अब पता चल रही है कि जो है प्लेटिनम का मांगा था, बोला तो था प्लेटिनम, पर हमको तो वो मिला भी नहीं। जो हम पे बन बना वो हमने दिया, उसके बाद कैश भी दिया इन्हें, चेक भी दिया इन्हें, बहुत कुछ किया हमने अपनी मतलब क्षमता से बढ़ के किया हमने, पर इनकी जो है पूर्ति हम नहीं कर। क्या चाहते हैं? जैसे कह रहे हैं बेटी को घर से भगाया जा रहा है, तो क्या चाहते हैं आप? देखिए बेटी को कोई घर में रखने के लिए तो शादी करता नहीं है। मैं तो अपनी बेटी को इसी घर में उसके ससुराल वालों के साथ रखने की कई बार कोशिश करी है, पर ये लोग क्या है बार बार जो है हमसे समझौता कर लेते हैं। दो चार आदमियों में कंप्लेंटें हुई हैं हमारी तरफ से, बच्ची को जब भी से मारपीट की गई है तभी ये चली गई है। मैं तो ड्यूटी करता हूँ बाहर, तो ये लोग जब इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है कोई कंप्लेंट हुई है तो उस टाइम ये समझौता कर लेते हैं। समझौता किया तो बार बार फिर जो है वही चीज रहती है। अच्छा। हाँ, शुरू शुरू में तो लड़की की तरफ से जो लड़के की तरफ से इनडायरेक्टली इसको बोल के लड़की को बोल के ये हमको बताती नहीं थी कि ये अच्छा। कारण क्या चल रहा है? पापा आज इतने पैसे चाहिए थे, ये लाना है वो लाना है। शादी के बाद भी मैंने जो बहुत चीजें दी है, पैसे भी और भी दिए, इनकी हेल्प की है, पर अब वो सारी चीजें क्लियर होके आ रही है। चलो ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पर वीरांगना नारी शक्ति की टीम भी, आप लोग भी आ जाइए, आप भी आ जाइए मैडम। तो नारी शक्ति की टीम है, खड़े हो जाइए आप तीनों ही। हाँ, तो क्या मदद हो सकती है इनकी? मैं सुनीता जी हैं।
वीरांगना नारी शक्ति से चेयरमैन, और मैं यही कहना चाहूंगी जो भी आपके घर का डिस्ट्रीब्यूट है आप बैठ के निपटाएं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए थाने में आ जाओ, एसीपी साहब के पास आ जाओ। अगर आप ये कहते हो कि हमारा बेटा नालायक है और हम अपनी इस बहू को नहीं रखेंगे, वो बहुत गलत बात है। क्यों? अगर मेरी आवाज को खट्टर साहब सुन रहे हैं या मोदी जी सुन रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हम बेटियों को कहां ले जाएं, क्योंकि ये एक बेटी पैदा होने पे और बेटी को इतना मारा है कि उसकी आंख भी खराब हो गई है। छोटी बच्ची है, 2 साल का बच्चा कितना होता है। अगर सास को लग रहा है कि मैं बहू को टॉर्चर करूंगी और बहू को घर से बाहर निकालूंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो भी इसी घर में ब्याह के आई है, ये भी इसी घर में ब्याह के आई है। जायज लड़ाई तो लड़ी जाएगी, अगर आप सोच रहे हो नाजायज लड़ाई लड़ेंगे तो ये तो चलेगा भी नहीं। और जहाँ तक हमें पहुँचना पड़ेगा हम वहाँ तक जाएंगे इस लड़की की हेल्प करने के लिए। मदद पूरी होगी। हाँ, पूरी हाँ, मदद हो। पूजा जी क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी, अब मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी को तो पता भी नहीं होगा। ठीक है जी, सब सबका यही नारा है। मदद मिलेगी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम हर तरीके से मदद कर रहे हैं। हम पुलिस से महिला थाने में भी गए थे, आज एप्लीकेशन लिखवाइए इनकी। महिला थाने वाले भी उनकी एप्लीकेशन पे वो इनको कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, पूरी मदद कर रहे हैं। थाने में भी गए थे, हर कोई मदद, पुलिस से तो पूरी मदद मिल रही है, ऐसी बात नहीं, सब पूरी मदद मिल रही है। मगर खतरा है मैडम आपको? सर हाँ। क्या खतरा है? बार बार धमकियां दी जा रही हैं कि तेरे साथ कुछ भी गलत काम करवा सकते हैं, तू घर से बाहर निकल, तेरा सामान बाहर फेंकवाएंगे, गुज्जरों को घर में घुसा देंगे, ऐसे तेरे से तेरे घर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे धींगड़ाओं को लाके इस घर में बिठा देंगे, तू राह चल रही होगी कहीं वहां तेरे साथ कुछ करवा देंगे। मैं क्या, मैं कहां बाहर भी नहीं जाती हूं, मैं इस वजह से मुझे कॉलेज तक जाने में अपने डर लगता है कि मैं कहीं कुछ हो ना जाए। तो आप लोग देख रहे हैं इसी घर में ब्याह के आई थी और जो भी दान दहेज देना था, जो इनके पिताजी की क्षमता थी पूरा दान दहेज दिया, उसके बाद भी देते रहे, अभी नहीं उतना दे सकते। देखो तब सबकी अपनी क्षमता होती है, परेशान है और कह रही हैं कि दहेज मांगते हैं, जब मर्जी कहते हैं इतना ले आओ उतना ले आओ, अब नहीं दे पाते तो परेशान किया जा रहा है। हालांकि पुलिस थाने में मामला पहुंचा है, पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी और इनकी मांग, इनकी सुरक्षा की जाए। अगर कोई इनको धमकी देता है तो उनको भी चेतावनी दी जाए कि भाई इस तरह से महिलाओं को आप धमकी मत दीजिए। बाकी वीरांगना नारी शक्ति की टीम है, ये भी मदद करती रहेंगी, ये भी उसके साथ खड़ी रहेंगी और जो भी मदद होगा करेंगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इस मैटर में जो आरोपी पक्ष है अगर वो भी कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहता है तो वो भी दे सकते हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।